आते भारत के इतिहास के अंतर्गत असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। असहयोग आंदोलन सन 1920 से लेके 1922 तक चला। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत हम असहयोग आंदोलन के कारण, असहयोग आंदोलन के दौरान किए गए रचनात्मक कार्य, असहयोग आंदोलन की प्रगति और विस्तार, साथ ही साथ असहयोग आंदोलन सफल रहा है असफल रहा इसके बारे में बात करेंगे और असहयोग आंदोलन की वापसी। अगर से कारणों की बात किया, सबसे पहले ये देखते हैं इसमें पहला कारण कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को आश्वासन दिए थे, साथ ही साथ कुछ वायदे भी किए थे। इन आश्वासन और वायदों के बदले में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर एक काला कानून कॉरेट एक्ट दिया, जो एक बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून था। साथ ही साथ कॉरेट एक्ट के कानून के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और अनेक अत्याचार भारतीय नागरिकों पर किए गए और भारतीय जनमानस में असंतोष का ज्वार उत्पन्न हो गया। दूसरा कारण था कि मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड जो सुधार हुए थे उसके अंतर्गत जो प्रांत या राज्य थे उनमें द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई, जो द्वैत जो जनता का राजनीतिक और सामाजिक शोषण करने वाली प्रणाली थी और द्वैत शासन प्रणाली के प्रति जनता में तीव्र रोष उत्पन्न हो गया। तीसरा कारण तुर्की के साथ किए गए दुर्व्यवहार, अर्थात तुर्की के साथ अंग्रेजों ने समानता के व्यवहार का आश्वासन दिया था और तुर्की का खलीफा था वो भारतीय मुसलमानों का भी खलीफा माना जाता था या भारतीय मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना खलीफा मानते थे, तो तुर्की के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस कारण भारतीय मुसलमानों के मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा या क्रोध उत्पन्न हो गया, जिससे खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ और इस खिलाफत आंदोलन की परिणति असहयोग आंदोलन के रूप में हुई, अर्थात असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसका चौथा कारण आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी जिनके कारण भारत का जनजीवन था वो कष्टमय बन गया था, जिसके अंतर्गत महंगाई, बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्याएं थी, साथ ही साथ यही समस्याएं आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारण। इसके बाद ये आंदोलन अर्थात असहयोग आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश के गांवों तक फैल गया। इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए अनेक विद्यालयों की स्थापना की गई। इसी क्रम में शिव प्रसाद गुप्ता थे एक क्रांतिकारी, उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना की और साथ ही साथ और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि शिव प्रसाद गुप्ता को लोग राष्ट्र रत्न कहकर भी पुकारते थे। शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा वाराणसी में भारत माता मंदिर का भी निर्माण करवाया गया, इसका उद्घाटन वर्ष 1936 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही अवध प्रांत के जो किसान थे इन्होंने गैर कानून जो लगान था उस लगान की वसूली के खिलाफ आंदोलन आरंभ किया। एक लेखक थे उस समय के तत्कालीन लेखक साई रवि, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी गांधी जी एज महात्मा, उसमें उन्होंने गांधी जी को आम लोगों के बीच चमत्कारिक छवि के रूप में प्रस्तुत किया, अर्थात उनके चमत्कारिक छवि का वर्णन किया। इसके बाद आता है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की गई, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई। असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए सितंबर 1920 कलकत्ता में कांग्रेस कार्य समिति का अधिवेशन आयोजित किया गया। गांधी जी द्वारा अर्थात महात्मा गांधी द्वारा इसी अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव का विरोध एनी बेसेंट ने किया, मदन मोहन मालवीय ने किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, देशभर चंद्रनंदन दास, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नायर तथा सर नारायण चंद्रावरकर ने किया, लेकिन अली बंधु और मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। यही से गांधी युग की शुरुआत मानी जाती है। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव संबंधी प्रमुख उपबंध निम्नलिखित थे कि जैसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उपाधियां भारतीयों को प्रदान की गई थी और जो अवैतनिक पद भारतीयों को प्रदान किए गए थे उनका त्याग करने की बात कही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव। इसके साथ साथ विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार भी इस आंदोलन के तहत किया गया। अगर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रथम बार अगर बात की जाए तो बंगाल विभाजन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और दूसरी बार असहयोग आंदोलन के तहत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। सरकारी शिक्षा का विरोध किया गया, अर्थात सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। वकीलों द्वारा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का बहिष्कार किया गया, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दी तथा सरकारी तथा अर्ध सरकारी जो उत्सव थे उनका बहिष्कार किया गया। अगर असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों की बात की जाए तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित
रचनात्मक कार्य किए गए, जैसे विदेशी वस्तु तथा जो संस्थाएं थी उनके बहिष्कार का दूसरा पक्ष था कि स्वदेशी का प्रोत्साहन अर्थात स्वदेशी वस्तुओं और स्वदेशी कार्यक्रमों का प्रोत्साहन करने बढ़ावा देना, जिसके अंतर्गत स्वदेशी विद्यालयों की स्थापना की गई, स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया गया, इसके अंतर्गत चरखा खादी जैसी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया। रचनात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत असहयोग और खिलाफत के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोन्नत किया गया, छुआछूत मद्यपान जैसी बुराइयों को काटने की बात की गई तथा इन्हें हतोत्साहित करने की बात की गई, राष्ट्रीय विद्यालय और पंचायत अदालतों की स्थापना की गई। दिसंबर 1920 के जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने कांग्रेस के पुराने लक्ष्य अंग्रेजी शासन के अंतर्गत स्वशासन के स्थान पर स्वराज को नया लक्ष्य घोषित कर दिया गया। उनका कहना था, अर्थात महात्मा गांधी का यह कहना था, मानना था कि आवश्यक हुआ तो स्वराज को ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास ने असहयोग प्रस्ताव से संबंधित अपना विरोध वापस ले लिया तथा एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, जी एस कपाड़े इत्यादि नेताओं ने कांग्रेस से असंतुष्ट होकर त्याग पत्र दे दिया। नागपुर अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य का त्याग कर दिया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सक्रिय विरोध करने की बात को स्वीकार किया। अगर आंदोलन की प्रगति और इसके विस्तार की बात की जाए वो इस प्रकार है, असहयोग आंदोलन आरंभ करने से पहले ही गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का समर्थन करते हुए भारतीयों को उसमें सम्मिलित करने के संदर्भ में दिया गया था और उसी समय गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। जमनालाल बजाज ने भी राय बहादुर उपाधि को वापस कर दिया ब्रिटिश सरकार को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की। एक दुखद घटना उसी आंदोलन के दरमियान घटित हो गई क्योंकि 1 अगस्त 1920 को इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई और बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को गांधी जी के साथ सरबत अली ने उठाया। चूंकि बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात मैक्स मूलर जो जर्मनी दार्शनिक या विद्वान या लेखक था उसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। असहयोग आंदोलन को पश्चिम भारत, उत्तरी भारत, बंगाल में बहुत ज्यादा सफलता मिली। शिक्षण संस्थाओं का सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में किया गया। इससे पहले भी बंगभंग आंदोलन के दरमियान भी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार बंगाल में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के आधार पर अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जैसे काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई, गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इसी आंदोलन के दौरान कॉलेज के प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बोस बने, अर्थात सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल बने। बहिष्कार करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे उनमें से मुख्य रूप से देशभक्त चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल तथा आसम अली प्रमुख थे। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस को कई मुस्लिम नेताओं का भी समर्थन प्राप्त हुआ, जिनमें मोहम्मद अली थे, डॉक्टर अंसारी थे, शौकत अली थे तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद इत्यादि प्रमुख नेता थे। बहिष्कार आंदोलन में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का कार्यक्रम सर्वाधिक सफल रहा। आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद तथा राजगोपालाचार्य जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सर्वप्रथम जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था उनमें मोहम्मद अली थे। आंदोलन के दौरान नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जिन्हें हर जगह विरोध का सामना करना पड़ा, अर्थात प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में हर जगह बहिष्कार किया गया। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को अल्टीमेटम भेजा जिसमें यह कहा गया था कि अगर 7 दिनों के भीतर राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं किया गया और सरकार के नियंत्रण से प्रेस को मुक्त नहीं किया गया तो वे करों की ना अदायगी अर्थात करों को ना अदा करने वाली नीति समेत सामूहिक रूप से बारडोली से सत्याग्रह अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। 1 सप्ताह की समाप्त से पहले ही 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर
पुलिस ने एक राजनीतिक जुलूस पर गोलाबारी कर दी। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जनता ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। इस हमले में 23 पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई। इतिहास में इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के पश्चात गांधी जी को विश्वास हो गया कि भारत अभी व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। अर्थात गांधी जी ये मान के चले, अर्थात उन्होंने ये मान लिया कि भारतीय जनता अभी अहिंसा के आंदोलन के प्रति संवेदनशील या परिपक्व है। इसके परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को बारदोली में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें असंतोष फैलाने के जुर्म में न्यायाधीश ब्रूम फील्ड द्वारा 6 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। लेकिन 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर गांधी जी को रिहा कर दिया गया। अगर असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन किया जाए या इसका आलोचनात्मक विश्लेषण दिया जाए सफलता या विफलता के रूप में कि असहयोग आंदोलन सफल रहा है अभी तक, तो उसमें ये देखते हैं कि असहयोग आंदोलन स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर चला था, लेकिन यह आंदोलन अपने लक्ष्य प्राप्त से पहले ही समाप्त घोषित कर दिया गया। स्वराज तो दूर की बात रही, अंग्रेजों ने छोटी मोटी रियायतें भी भारतीयों को प्रदान की, अतः देखा जाए तो इसे असफल कहा जा सकता है। किंतु यह दृष्टिकोण अत्यंत संकीर्ण होगा। यह आवश्यकता है कि इस आंदोलन को प्रायः परिप्रेक्ष्य में देखते हुए मूल्यांकन करें। असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित योगदान दिया, वो योगदान 4 बिंदुओं में इस प्रकार है। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन पूरे देश का आंदोलन था, ना कि किसी वर्ग विशेष का। यह असहयोग आंदोलन ने दिखा दिया या सिद्ध कर दिया, क्योंकि इस आंदोलन को सभी वर्गों, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, मजदूर, कृषक, हिंदू मुस्लिम, दस्तकार, कारीगरों इत्यादि का समर्थन प्राप्त हुआ। कांग्रेस पार्टी जो कि उस समय केवल मुट्ठी भर संभ्रांत लोगों की पार्टी थी, वह देशव्यापी पार्टी बन गई, अर्थात अब वह जन कांग्रेस की पार्टी बन गई। हिंदू मुस्लिम एकता ने सामाजिक सवार को नई ऊंचाई प्रदान की। विदेशी शासन का भय या डर जनमानस से जाता रहा। जनता अब नए आत्मविश्वास से लबरेज थी। अतः इसके समक्ष योगदान को ध्यान में रखते हुए असहयोग आंदोलन को सफल कहना ही अधिकतर संभव। अगर असहयोग आंदोलन की वापसी की बात की जाए तो चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया गया, जिसकी आलोचना करते हुए कुछ इतिहासकारों ने गांधी जी को बुर्जुआ हितों का पोषक बताया। उन्होंने यह आक्षेप लगाया कि असहयोग आंदोलन के वापसी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ से निकलकर लड़ाकू ताकतों के हाथ में जाता देखा, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के रास्ते के द्वारा आजादी को प्राप्त करना चाहते थे। गांधी जी जमींदारों का हित चाहते थे और इसीलिए उन्होंने बारदोली प्रस्ताव में किसानों से जमींदारों को कर अदा करने के लिए कहा। लेकिन यह विश्लेषण एकांगी विश्लेषण होगा। इसके अपेक्षा हमें असहयोग आंदोलन की वापसी की प्रक्रिया को गांधी के जी के समग्र चिंतन से जोड़कर देखने की आवश्यकता। गांधी जी की वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर तथा तत्कालीन परिस्थितियों के आलोक में असहयोग आंदोलन की वापसी के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी ठहरा जा सकता है। सबसे पहले गांधी जी हिंसक आंदोलन के हिमायती थे। सबसे पहले कारण यह आता है कि गांधी जी अहिंसक आंदोलन के हिमायती थे और अहिंसा को लेकर एक तार्किक सोच रखते थे। उनके अनुसार हिंसक आंदोलन को सरकार और अधिक हिंसा के प्रयोग द्वारा या और अधिक बल द्वारा आसानी से कुचल देगी, जबकि यही कृत्य अगर यही आंदोलन या यही प्रक्रिया हो अहिंसक आंदोलन के रूप में की जाए तो सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसा करने पर सरकार नैतिक रूप से क्रूर या पतित घोषित करने जाएगी। दूसरा कारण है कि चौरी चौरा कांड से पहले ही कार्यक्रम में जन भागीदारी घटती जा रही थी, अर्थात लोगों की दिलचस्पी कम होती जा रही थी। ऐसे में जन आंदोलन कमजोर हो रहा था। इससे पहले कि आंदोलन की दुर्बलता प्रकट हो इसे वापस लेना ही दर्शन करता, इसलिए गांधी जी ने वापस ले लिया। और कोई भी जन आंदोलन लगातार नहीं चल सकता, क्योंकि जनता की सहन करने की एक सीमित शक्ति होती है और यह आंदोलन 1 वर्ष से अधिक समय से चल रहा था। ऐसे में जनता लंबे समय तक पूर्ण ऊर्जा के साथ आंदोलन से जुड़ी नहीं रह सकती थी। इस तथ्य को ध्यान में रखकर गांधी जी ने अपने पर पूरी जिम्मेदारी लेकर आंदोलन को वापस ले लिया।
जिससे कि जनता का मनोबल बना रहे और ये आक्षेप की आंदोलन की बागडोर और लड़ाकू ताकतों के हाथ में चली गई थी, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण ऐतिहासिक रूप से नहीं मिलता। इसके बाद दूसरा आक्षेप है कि बागडोरी में किसानों को कर्ज चुकाने को गांधी जी ने कहा था, जो कि जमींदारों के समर्थन को प्रकट करता है। यह भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि जब आंदोलन ही वापस ले लिया गया था तो किसानों द्वारा कर रोकने का कोई औचित्य नहीं बचता था। असहयोग आंदोलन की परिणति के रूप में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और स्वराज पार्टी की स्थापना के बारे में और उसके कारण, उसकी प्रगति और उसके क्या कार्यक्रम थे, उसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में।